गले के इन्फेक्शन में एंटीबैक्टीरियल देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं एजिथ्रोमाइसिन। जब एजिथ्रोमाइसिन ओरल रूट से देने के बाद में ब्लड में जाता है और हर एक सेल में जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफर करता है हर सेल में, और लास्ट में जब गले गले के सेल्स में जाता है, उसके बाद में वो एक्ट करता है उन बैक्टीरिया पे। अगर मैं एजिथ्रोमाइसिन का कोई मलम या ट्यूब लेके डायरेक्टली गले में लगाया तो मेरा इन्फेक्शन कम नहीं हो सकता? सवाल है।